गोरखपीठ के आचार्य द्वय प्रभुदेव महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और प्रभुदेव महंत अवेद्यनाथ जी महाराज ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। देखिए गोरखपीठ के योगी थे, गोरखपीठ के महंत बने, गोरखपीठ की परंपरा के साथ जुड़ करके उन्होंने जो कार्य प्रारंभ किया। गोरखपीठ कहने के लिए सर्व परंपरा की पीठ है, लेकिन सबसे बड़े वैष्णव परंपरा के यज्ञ में श्री राम जन्मभूमि मुक्त की करें आंदोलन में अग्रणी भूमिका के रूप में गोरखपीठ के गोरख पिता ने सेवा करी थी, क्योंकि हमारे उपासना विधि का नहीं, ये एक राष्ट्र धर्म था और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का माध्यम था, यही हमारा राष्ट्र धर्म था और इसके लिए प्रभु महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने, इसके लिए प्रभु महंत अवेद्यनाथ जी महाराज ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। गोरखपीठ में सीमित नहीं है, गोरखपीठ में गौ की सेवा तब भी होती थी, आज भी हो रही, लेकिन उन्होंने क्यों यहां तक नहीं, यहीं तक सीमित नहीं रहे। संस्कृत का देववाणी संस्कृत का प्रचार प्रसार होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने पूरा जीवन लगाया, कार्य करते रहे गोरखपीठ के माध्यम से भी, और जहां भी कोई भी गोरखनाथ पंथ से जुड़ा हुआ कोई धर्मस्पर्धा, कोई भी योगी, कोई भी श्री महंत गोरखपीठ से मिलने के लिए आता था, उसको एक ही बात कहते थे, कहते देखो कि अपना मंदिर को दर्शनीय बनाओ, साफ सुथरा बनाओ, कोई आता है उसकी जाति मत पूछो, उसका मतलब मत और मजहब मत पूछो, कोई आता सम्मानजनक ढंग से जो तुम खा रहे हो वह उसको दिखना, भेदभाव मत करो, तुम्हारे पास क्षमता है तो वहां पर संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए कुछ करो, तुम्हारे पास अगर सामर्थ्य है आरोग्यता के लिए और शिक्षा के लिए भी, अच्छी शिक्षा के लिए भी, उत्तम शिक्षा के लिए भी अपने नागरिकों को तैयार करो, हर धर्मस्थल का एक भाव होना चाहिए और उस भाव के साथ में निरंतर कार्य करते रहे। गोरखपीठ की ओर से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का संचालन, कहने के लोग कह सकते हैं सरकार का काम, क्योंकि सरकार के भरोसे रहकर के जो समाज रहता है वो कभी स्वावलंबी नहीं हो सकता, आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, समाज की स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का आधार बनता है जब समाज आगे आगे चले और सरकार उसके पीछे पीछे चले, सरकार उसको फॉलो करे, सरकार उसका अनुसरण करे और सरकार उसको पीछे से सहयोग करता हुआ दिखाई दे, लेकिन नेतृत्व समाज जब करता हुआ दिखाई देता है वह समाज आत्मनिर्भर बनता है, वही समाज स्वावलंबी बनता है और स्वावलंबन को अग्रसर करने के लिए ही वे नेतृत्व करते हैं। जब गोरखपुर में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति उस रूप में नहीं थी, उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की, गोरखपुर में विश्वविद्यालय स्थापित होना है, कोई सहयोग करने को तैयार नहीं था, सरकार के पास संसाधन नहीं थे, उन्होंने कहा हम लोग देंगे, उन्होंने अपने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के दो कॉलेज दे दिए, उन्होंने कहा नहीं इसी से शुरू हो जाना चाहिए, आसपास जहां पर जिस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है, याद करिए आज भी हम लोग देखते हैं बहुत सारी जगह पर बालिकाओं को स्कूल नहीं है, स्थित 1956 में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक की स्थापना कर दी, 1946 में महाराणा प्रताप कॉलेज की स्थापना कर दी और 1956 में ही गोरखपुर में महाराणा प्रताप महिला कॉलेज की स्थापना कर दी, उससे पहले महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे जुड़ी हुई कुछ अन्य संस्थाएं खड़ी हो चुकी। 1967 में उन्होंने यहां पर आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना कर दी, यानी ये सोच उस समय की हमें किन क्षेत्रों में कार्य करना है, केवल हमारा काम अपनी उपासना विधि के जागरण तक सीमित नहीं होना चाहिए, स्वयं की संतुष्टि का माध्यम नहीं बनना चाहिए, बल्कि लोक कल्याण के लिए हम किस रूप में समर्पित होकर के कार्य कर सके और कैसे पूरे भारत को भी एकता के सूत्र में बांध
जानने के लिए हम लोगों के माध्यम से धार्मिक जागरण के माध्यम से कैसे इस कार्यक्रम के साथ सहभागी बन सके, इसके लिए पूरा जीवन उनका समर्पित रहा।